Thank you.
पुराने मकान को गिराया जाता है या नए मकान को गिराता है? पुराना
किराए देते हैं। बाग भी पुराना हो जाता है तो काट करके नया बाग लगाया जाता है। ऐसे थोड़े ही कि सतयुग में भगवान आ गए, त्रेता में भगवान आ गए, द्वापर में भगवान आ गए, कलयुग में भगवान आ गए, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है एकदम भगवान युग युग। अरे ये लिखा किसने? मनुष्य ने लिखा या भगवान ने लिखा? कोई भी धर्म पिता आता है तो बैठ करके किताब लिखता है या मुख से डायरेक्ट बोलता है? क्या करता है? मुख से डायरेक्ट बोलता है, बाद में वर्षों के बाद फिर उसकी बोली हुई वाणी को ग्रथित किया जाता है ग्रंथों में। जैसे गुरु नानक ने जो कुछ बोला वो कई वर्षों के बाद फिर गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया। क्राइस्ट ने जो कुछ बोला वो वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बहुत बढ़ गई क्रिश्चियंस की तब बाइबल बना। मोहम्मद ने जो कुछ बोला जब मुसलमानों की संख्या लाखों की तादाद में हो गई तब कुरान बनाई गई। ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो आकर के कोई किताब लिखते नहीं है, कोई शास्त्र नहीं लिखते, वो तो मुख से आकर के अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? जो ब्राह्मण बच्चे बनते उनको प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी जाति मनुष्य जाति है। जैसे बीजों की जाति होती है ना, गेहूं का बीज, बाजरे का बीज, आम का बीज, जैसा बीज होगा वैसा उसका वृक्ष दिखाई पड़ेगा बनेगा। ऐसे तुम भी मनुष्य आत्मा हो, ये मनुष्य आत्मा जब गर्भ में प्रवेश होती है तो गर्भ मनुष्य जाति में ही प्रवेश करती है, मनुष्य जाति का गर्भ होता है। ऐसे नहीं कि आम का बीज बोया जाएगा तो वो पीपल बन जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें मनुष्य जाति के जन्म जन्मांतर के संस्कार है। भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आवेंगे या जानवरों का रूप धारण करके आवेंगे? अरे जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है ज्ञान को समझने की। भगवान शक्ति का उद्धार ज्ञान के आधार पर करता है या कोई और आधार बनता है? और ज्ञान मनुष्य ही समझेगा, जिसको मन होगा वही मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान को समझेगा। और जानवरों में तो मन बुद्धि की ताकत होती ही नहीं, वो ज्ञान को कैसे समझे? तो शास्त्रों ने जो लिख दिया है वो विकारी मनुष्यों ने लिखा है। और शास्त्रों के हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद उनकी व्याख्याएं होती रही विकारी मनुष्यों के द्वारा। जो है जो भी धरती पर हुए देवा देवों को छोड़कर के, देवात्माओं को छोड़कर, इस द्वैतवादी युग से, द्वापर युग से सभी मनुष्य देह अभिमानी हो गए, आत्मिक स्थिति वाले नहीं रहे। तो देह अभिमानी जो होंगे वो तो स्वार्थी होंगे, स्वार्थ के आधार पर शास्त्र
लिखी गई है। की जो व्याख्या हुई है वो भी विकृत हो गई। भगवान बाप को क्यों आना पड़ता है? इसीलिए आना पड़ता है कि जो ज्ञान जल है उसकी गति है, ऊपर से आएगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ऊंचे से ऊंचे है भगवान बाप। शक्ति के आग में जो ज्ञान देता है वो नीचे उतरते 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 गंदी नदियां बन जाता है। कितने शहरों का कचरा पड़ता है। और वो कचरे से प्रदूषण फैलेगा या वातावरण शुद्ध होगा? प्रदूषण कैसे रहता है? ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जितने भी धर्म पिता आए ये पहले पहले जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें भी कुछ सात्विकता होती है। बाद में इनके जो फॉलोअर्स है उनकी सुनाई हुई बातों का अर्थ का अनर्थ करके धर्म को अधर्म में कन्वर्ट कर देते, विधर्मी ही बन जाते। रूस के क्रिश्चियंस की तरह अधर्मी बन जाते हैं। तो रशियंस भी क्रिश्चियंस वो बाइबल को और गिरजा को मानते ही नहीं। तो जैसे दुनिया की हर चीज तत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती है, भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान भी जब भगवान की शक्ति पर प्रैक्टिकल में तीन मूर्तियों में प्रत्यक्ष होता है तो सात्विक होता है। शरीर के सुख भोगते भोगते की चार होती रहती है। सचिव में दोहरा कला संपूर्ण बैठती थी आत्मा की, त्रेता में 14 कला संपूर्ण रह जाती, द्वापर में 8 कला, कलयुग में आते आते अंत में कलाहीन आत्मा हो गए। एक भी आत्मा नहीं है जो मन का सदैव किसी को सुख देने वाली। कोई हो यहां बैठा हो तो बोले साफ तमो प्रधान बन जाते। साफ आत्मा उसी बैठी डिस्चार्ज हो जाती है, ताकत ही नहीं रहती, सुख भोगने की भी ताकत नहीं रहती। कहा देवताएं 24 घंटे का सुख भोग देते, आनंद स्वरूप कहा जाता है। भगवान को तो टाइटल ही देते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सदैव आनंद में रहने वाला विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, सदैव मंगल मंगलकारी। आज कोई आत्मा ये अनुभव करती है कि मैं सदैव ममता से, ममता के संकल्पों से, वाचा के महावाक्यों से, कर्मेंद्रियों के कर्मों से सदैव सुख स्वरूप रहता हूं और दूसरों को सुख ही सुख देता हूं? एक भी आत्मा इस मनुष्य शक्ति पर नहीं है। जब मनुष्य ही नहीं है, जो मनुष्य मनबुद्धि वाला प्राणी है, सबसे जाती इंद्रियां मनुष्य में होती है, जितनी जाति इंद्रियां हैं उतना ही ज्यादा सुख और दुख भोग सकता है। जानवरों में उतनी इंद्रियां नहीं होती है। तो जान
खाने के लिए अनाज नहीं पैदा करते हैं लोग। कारखानों वाली दुनिया बन गई है, कारखानों में से माल पैदा हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। खाने पीने की वस्तुएं तो कम बनाई नहीं जा रही है। दुनिया के स्टॉक में अन्न बहुत थोड़ा रह गया है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दुनिया के लोग क्या खाते हैं? ज्यादा पेट किस चीज से भरते हैं? मछलियों से। मछलियों में इंद्रियां बहुत कम होती है कि मनुष्यों की तरह ज्यादा इंद्रियां होती है, इसलिए उनको जब काटते हैं तो उनको दूर भी कम होता है, और मनुष्य को जब काटा उंगली भी काटी जाएगी तो कितना दुख अनुभव होता है। एक मनुष्य शक्ति में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो शक्ति रूपी रंगमंच पर मंच पर सबसे ज्यादा चीज को भोगता है। देव योनि में सतयुग त्रेता ने राम सत्य के राशि में देवात्माओं ने बहुत सुख भोगा। मनुष्य ही देवता बनते अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म भगवान ही आकर्षित सिखाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, कैसे कर्म करना चाहिए कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। अरे सांप जैसे कर्म करोगे तो क्या बनोगे? सांप ही बनोगे ना, तो सांप नहीं बनते क्या? सांप जैसे मनुष्य बन जाते। हमने देखा है मनुष्य कामा जो है वो बुद्धों की गले में माला पहने हुए है, और पंचक उनके गोद में पले हुए हैं। वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले निकलता है वो ब्रह्मा के द्वारा निकलता है या शंकर के द्वारा निकलता है या विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म होता है? ब्रह्मा द्वारा। और ब्रह्मा कुमारियां तो दादा लेखराज को ब्रह्मा समझती, लेकिन दादा लेखराज तो ब्रह्मा नहीं, वो तो टाइटल धारी ब्रह्मा हुए। असली ब्रह्मा तो कोई और था जिसके मुख से ज्ञान सुनकर, जिसके मुख से ज्ञान की बात सुनकर के पहला ब्राह्मण तैयार हुआ दुनिया में। इसलिए कहा जाता है जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य तो पहला शूद्र। मैं शूद्रों को आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बना, तो पहला ब्राह्मण किसके द्वारा पैदा हुआ? आदि ब्रह्मा स्त्री चोला था या पुरुष चोला था? स्त्री चोला था। उस स्त्री चोले में भगवान बाप शिव ज्योति बिंदु ने प्रवेश करके जो बात सुनाई वो बात ज्ञान की बात थी। भले सुनाने वाली उस मूर्ति ने स्वयं उसे समझा या न समझा, वो बड़ी माँ का पाठ हो गया। बड़ी माँ कौन है?
ये प्रकृति ही ब्रह्मा बड़ी मारे प्रकट स्वरूप है प्रति ही प्रति माने रचना जो रचना भगवान की प्रत्यक्ष कृति है ऐसी विशेष रचना है जिसकी रचना में भगवान बाप ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी इतना संग का रंग इतना मिलन मेला भगवान के साथ और कोई भी मनुष्य आत्मा ने नहीं मना पाया इसलिए जगदम्बा का मेला दुनिया में सबसे बड़ा मेला लगता है क्यों लगता है क्यों जो मिलन मेला है जितना जगदम्बा ने मनाया भगवान के साथ उतना मिलन मेला और किसी ने सर्व संबंधों से नहीं मना पाया और वही जगदम्बा ब्राह्मण है ना जगदम्बा भगवान की बच्ची भी तो बनती है जगदम्बा वो बच्ची भी तो बनती है ना तो जब बच्ची बनती है रचना बनती है पत्नी के रूप में होती है पहली रचना या बच्चों बच्चियों के रूप में होती है हाँ पहली रचना जो होती है वो पत्नी होती है इसलिए प्रकृति पति कहा जाता है तो जगदम्बा प्रकृति का रूप है धरणी का रूप है प्रकृति के पांच तत्वों में धरणी ही मुख्य है वो धरणी में पांचों ही तत्व समाये हुए इसलिए जब वो विकराल रूप धारण करती है कौन जगदम्बा महाकाली बनती है तो भगवान शिव की जो दूसरी मूर्ति शंकर है उसके बिना को संपन्न कर देती वो महाकाल की महाकाली है वो किसका विनाश करती होगी असुरों का विनाश करती होगी अधर्मियों का विनाश करती होगी विधर्मियों का विनाश करती होगी या सिविकात्मों का विनाश करेगी गीता के अक्षर आए हैं विनाश आए क्या दुष्कृताओं दुष्ट कर्म करने वाले हैं अधर्मी हैं उनका विनाश करता हूं किसके द्वारा शंकर द्वारा विनाश करता लेकिन शंकर नहीं करता शंकर द्वारा का मतलब यह है शंकर ऐसी निराकारी तेज में एक संकल्प में टिकने की ताकत रखता है कि शिवशंकर भोलेनाथ की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ऐसा पार्ट बजाती है कि अक्षरों का संहार हो जाता है शक्ति का विनाश प्योरिटी से होता है या इंप्योरिटी से होता है अपवित्रता से होता है विनाश ये कलयुग दुनिया में इंप्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि सारी शक्ति का विनाश निश्चित हो जाता अति काम तो हो जाता वो अति ताकतवर आत्मा करेगी या साधनात्मा करेगी तो ये महाकाल जैसे महाकाल का पाठ है विषपाई विषय वासनाओं का करता है पान करता है मनुष्य मात्र में जितनी भी विषय वासना विकार भरे हुए उनका बर्बस दान दे देता है स्वेच्छा से दान करें तो भी ठीक और स्वेच्छा से दान न करें तो भी विकारियों की शक्ति इस दुनिया में रहेगी नहीं
स्वभाव संस्कार सब खराब होने वाले। ये विषय विकार काम विकार को कहा जाता है। एक ही देवता है जिसकी ये गायन हुआ है काम गहन, काम विकार को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। बाकी कोई काम देवता ऐसा मनुष्य नहीं है क्या? अपने अंदर की जो काम कुवृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, वो राजयोग के द्वारा उन काम कुवृत्तियों को भस्म कर दिया और गया हुआ है वही है काम अनंग। जो नई शक्ति होगी उसमें वो काम पासना वाली मार करने वाली हिंसक इंद्रियां काम नहीं करेंगी, वो भक्त इंद्रियों का कार्य है जिनसे आज की शक्ति पैदा हो रही है, बिच्छू किन्नरों की शक्ति। वो शक्ति नहीं होगी पैदा, क्यों? क्योंकि वहां काम की मार करने वाली इंद्रियां ही नहीं होंगी। सत्युग और त्रेता में जहां हे कृष्ण नारायण का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, वहां तेज इंद्रियों से संतान होती है। तेज इंद्रियों में भी सबसे तेज इंद्रियां कौन सी है? नेत्र। जैसे व्यास को दिखाया गया है, व्यास ने जो शक्ति पैदा की पूर्व अंत में, वो कौन सी शक्ति थी? दस इंद्रियों की शक्ति थी क्या? है आंख के प्यार से, आंख के स्नेह से, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार से कोई को भी मारा जा सकता है, द्वेष से कोई मरे ना मरे। तो ये आंखें इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। दो प्रकार की इंद्रियां होती है, एक कर्म इंद्रिया और दूसरी ज्ञान इंद्रिय। कौन सी श्रेष्ठ है? ज्ञान इंद्रिया श्रेष्ठ है। और उन ज्ञान इंद्रियों की जो पैदाइश होती है, उस पैदाइश की भी मान्यता आज भी भारत में चली आ रही है। हमारे भारत का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, वो कौन माना जाता है? क्यों? क्योंकि उसके देह अभिमानी की पूछ, मार करने वाला देह अभिमान नहीं होता है। इतनी श्रेष्ठ पूछ है कि वो ऐसा ज्ञान का डांस करती है जो सबको देखने में तबीयत प्रसन्न हो जाती है। मोर ही ऐसा एक प्राणी है, उदाहरण देने के लिए, कि देवताओं की शक्ति श्रेष्ठ इंद्रियों की श्रेष्ठाचारी देवताएं से, देवताएं भ्रष्टाचारी नहीं होते। वो श्रेष्ठाचारी देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों के मुख के प्यार से संतान पैदा करते थे, इंद्रियों से संतान पैदा नहीं होती थी उस समय। इसलिए जिसका आदि अच्छा होगा उसका अंत भी अच्छा होगा। आज की संतान की पैदाइश में पुरुष को भी कमजोरी आ जाती है, स्त्री को भी दुख होता है। पैदाइश की शुरुआत में ही जब दुख होता है तो मनुष्य जब मरेगा तो दुख पैदा नहीं होगा, घावड़े आते। हर मनुष्य आज की मौत से डरता है। देवताओं की ऐसी मौत नहीं होती है, उनको अमर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ते नहीं है, लेकिन इच्छा मृत्यु है। जब चाहे शरीर को छोड़े और जब तक न चाहे शरीर को न छोड़े, लंबी आयु वाली होती है। महाविराज के बाद, महाविराज
जो है वो हमेशा होता ही रहता है। कभी यहाँ भूकंप हुआ, कभी वहाँ भूकंप हुआ, कहीं यहाँ छोटा सा आइटम बम फूट गया, कभी वहाँ फूट गया, कभी एक शहर से तनामू हो गया, हीरो जमाना का था कि कभी वहाँ कुछ हो गया, ये तो होता रहता है। लेकिन महाविनाश महामृत्यु ये टाइम जब आता है तब क्या होता है? जो है जब विनाश होता है तो एटमिक विनाश के कारण भूकंप आते हैं, और भूकंप की गर्मी और एटमिक गर्मी के कारण जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ है, इतनी गर्मी के वायुमंडल में वो पहाड़ फट जाते हैं, चीर चीर होने लगते हैं, और वो बड़े बड़े हिमखंड समंदर में तैर किया जाते हैं। एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसमें इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा डालो तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे ये समंदर जोर से उखाड़ पाता है और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती। ये तो रही फूल विनाश की बात, लेकिन पहले हर कार्य फूल में होता है या सूक्ष्म में संपन्न होता है? पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगवान ज्ञान देते हैं वो ज्ञान तत्वप्रधानिक तेज वाला भी होता है, और वो ज्ञान ब्राह्मणों की मूलमति से तामसी तेज वाला भी बनता है। जैसे नदियां सुखदायी भी है, और वही नदियों में जब बाढ़ आती है तो सुखदायी हो जाती है। ऐसे ही ये सागर कहीं मीठा भी है और कहीं खारा भी है। ये इतनी बड़ी उछाल माता है कि जितने भी मनुष्य शक्ति में, खास करके ब्राह्मणों की मनुष्य शक्ति में जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो मन मत मिक्स करके ऐसा ज्ञान मिक्स करती है कि वो सारा ज्ञान जलमयी करा देती है। ऐसी जलमयी जब नदियों में होती है, बाढ़ आती है, तो पानी में मिट्टी मिल जाती है या नहीं मिल जाती? मिल जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो देह अभिमानी की मिट्टी मिक्त हो जाती है। दे अभिमानी की मिट्टी में तो होने के कारण सब भिखारी बन सकते हैं। यहां तक कि जो अव्वल नंबर पुरी के ब्राह्मण है, सारी शक्ति के बीज है, वो भी नंबर वाला विनाश होता है या बाद की दुनिया में विनाश होता है? पहले ब्राह्मण दुनिया में विनाश होने वाला है क्या? ना बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया बचेगी और ना एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया बचेगी। सबको संशय वृद्धि रूपी मृत्यु आएगी, अखंड संशय आ जाएगी, संशय आत्मा विनश्यति पद कम हो जाएगा। पद का विनाश होगा या आत्मा का विनाश होगा? पद का विनाश हो जाएगा। तो महाविनाश होता है। आपने स्कूल बात कही होगी कि सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, मुट्ठी भर बचेगी। जब सारी वर्ष शक्ति जलमयी हो जाएगी तो वो
या योग के आधार पर जिंदा रहती है, उनकी योग वृत्ति इतनी गहरी हो जाती है कि श्वास जो लेते हैं हवा, उस श्वास में ही पांचों तत्व समाये रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा जिन दिनों याद की अच्छी अवस्था रहती है उन दिनों भूख भी कम हो जाती है, चट्टी पेशाब भी कम हो जाती है, संकल्प भी कम हो जाते हैं, ऐसी बीज रूप स्टेज बन जाती है, अव्यक्त अवस्था बनती है। तो जो महाविनाश की आखिरी चरम सीमा होगी उस चरम सीमा में की वो योग बल के आधार पर उनको सुख समृद्धि के साधनों की दरकार नहीं रहेगी। साधनों के आधार पर जो साधना की जाती है वो श्रेष्ठ साधना है या निष्कर्ष साधना है? अभी हम सब कौन सी साधना कर रहे हैं? साधन मिलेंगे तो अच्छा योग लगेगा, संगीत बजेगा तो याद करेंगे, लाल लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट स्टेज बनेगी, संगठन में ब्राह्मणों के संगठन में माउंट आबू में जा देंगे तो अवस्था ऊंची रहेगी, नीचे की दुनिया में आ जाएंगे तो अवस्था नीचे गिर जाएगी। ये तो साधनों के आधार पर साधना हो गई। हमारी साधना को पकड़ेगी, हमें दुनिया के सुख साधन समृद्धि की दरकार ही नहीं रह जाएगी। हाँ, अब क्या कहते हैं? शुरू शुरुआत में जो फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है, स्वर्णिम संगम युग का, वो इस दुनिया की कोई भी पुरानी चीज का आधार नहीं देता। इन आंखों से जो कुछ भी पुरानी दुनिया देखते हैं, देह के संबंधी और देह के भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, वो सब खराब हो जाने वाले। तो संगम भी स्वर्णिम संगम जो युग है वो तो निराधार युग है, बाकी जो सतयुग का पहला जन्म होगा वहां प्रकृति सर्वस्व को मुहैया कराएगी, देह के हर प्रकार के सुख मुहैया कराएगी। अभी तो प्रकृति सर्वप्रधान बनती जाएगी या सतोप्रधान बनेगी, क्योंकि पांच करोड़ की जो शक्ति है मनुष्यों की वो जब तक विनाश को नहीं पावे तब तक जो प्रकृति का बड़ा रूप है, मूल रूप है, वो विकराल रूप धारण करता चला जाए। यहाँ तक ये बोला है ये शरीर रूपी जो प्रकृति है ये शरीर के पांच तत्व करते जा रहेंगे और आत्मा पाव की प्रकृति है। विनाश के टाइम पर सभी आत्माएं 500 करोड़ चाहे ज्ञान योग में चलने वाली हो न चलने वाली हो, भगवान को नंबर वार पहचानने वाली हो न पहचानने वाली हो, सबको अपना ये शरीर छोड़ना है, कोई स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, वर्ष में शरीर सुरक्षित रहेगा और वो दुर्योग से ऊपर करेंगे और कोई
इंद्रियों से नहीं जावेंगे, कैसे जावेंगे? शरीर विनाश की मार से शरीर छूटेगा, आय आय करके शरीर छोड़ करके जावेंगे। हाँ, पहले पहले आत्मिक स्थिति में रहने वालों का संगठन तैयार होगा, या 500 करोड़ मनुष्य आत्मा का परम धाम तैयार होगा। जो आत्मिक स्थिति की पढ़ाई पढ़ रहे उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी, मैं आत्मा, दूसरा मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और कोई संकल्प नहीं, जैसे जड़वत स्टेज बन जाएगी। जड़वत होंगे नहीं, शक्ति पर पदम परम नाम बन गया तो ऊपर जाने की क्या दरकार है? उस समय तो 500 करोड़ की दुनिया भी रहेगी, और इस शक्ति पर तुम बच्चे, वो बच्चे नहीं, ये जी के बच्चे नहीं, तुम बच्चे परम नाम को इस शक्ति पर उतार लेंगे। तो 500 करोड़ की दुनिया इस शक्ति पर थोड़े ही उतार लेगी, किसके लिए बोला? विदेशियों से प्रभावित होने वाली होगी,
वो आदि को अंतिम जन्म में भी वो विष्णु समान संस्कारों से मिलने वाली आत्मा थी। ब्रह्मा और उनकी पत्नी यशोदा की तरह नहीं थी। अगर होती तो ब्रह्मा बाबा को ओम राजे सरस्वती को यज्ञ का निमित्त बनाने की दरकार नहीं थी। तो वो विष्णु स्वरूप उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला। शास्त्रों में दिखाते हैं, मूवी में भी बोला विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये यहां स्थिति होगी। वो विष्णु स्वरूप आत्माएं थी जिनके संस्कार मिले हुए थे, लेकिन कलयुग के अंत में जो पत्नियां होती हैं, खास करके भारत माता जिसका टाइटल है जितात्मक, वो अपनी सौ को अपनी बहन के रूप में मानती है या सौतन के रूप में देखने वाली होगी। कभी भी सौतन के रूप में देखने वाली नहीं होगी। भारत माता जिसका टाइटल है, वो पति के सुख में अपना सुख मानने वाली होती है। पति जिस बात में सुख सुखी, उसी बात में पत्नी सुखी। कलकत्ते में ये परंपरा रहती है कलयुग के अंत में, जो भी पैसे वाले होते हैं वो दो दो तीन तीन पत्नियां रख लेते, दूसरी पत्नी को घर मकान बना करके दे देते हैं, अलग रखते हैं। वो तो तब रखते हैं जबकि दोनों में झगड़ा होता है। अगर झगड़ा ना हो तो आपस में मिलजुल करके भी रह सकते हैं, रह सकती है या नहीं रह सकती, रह सकती है। तो जो दोनों बहनें आपस में बहन के रूप में रह रही हो और ब्रह्मा की बात साक्षात्कार की उनको सुनाई गई, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन को, तो पहले पहले किसको सुनाएगी? अपने पति को सुनाएगी या उस बहन को सुनाएगी? बहन जो है वो बुद्धि में तीखी थी, तो जगदम्बा का फायदा ना, जगदम्बा माने सारे जन्म की अम्बा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की अम्बा। और भारत माता माने देखो भारतवासियों की माता, तो जो जगदम्बा का वो दूसरी माता को जो साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया गया, साक्षात्कारों की बात सुनाई गई, वो माता बोलने में ज्यादा होशियार थी। और विष्णु की पाशधारी वैष्णवी देवी बोलने में ज्यादा होशियार होती है या कर्म करने में ज्यादा होशियार होती है? प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने में ज्यादा होशियार होती है, बोलने में ज्यादा हो क्या? नहीं, जीव लंबी नहीं होती है। तो जो लंबी जीव वाली थी जिसको महाकाली कहा जाता है, उसको साक्षात्कारों की बात सुनाई गई और अंतिम जन्म में जो पुरुष है वो पुरुष अति विकारी बन जाता है या कम विकारी बन के रहता है? अति विकारी। तो उसका जो विकारी इसलिए है वो और पत्नी के साथ ज्यादा रहता है या देह का संबंध दूसरी पत्नी के साथ ज्यादा रहता है?
ब्रह्मा वो उस व्यक्ति से बोल दिया, और जिस समय बोला उस समय दोनों माताएं मौजूद थी, तो तीन आत्माएं हो गई। एक ने ब्रह्मा के बोले हुए साक्षात्कारों की बात को सुनाया, समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है। सुनने के साथ उसका रहस्य उसने समझा, अपने आप नहीं समझा, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश किया। कितने नहीं, दोनों में प्रवेश किया। एक माता ने प्रवेश किया जो बड़बड़ बोलने वाली थी, सुनने और सुनाने की शक्ति जिसमें जावे, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में लंबी जीव दिखाई जाती है उस माता की। कहते हैं ना इसकी तो जीव बड़ी लंबी है, माने भाषा में इसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो सुनने और सुनाने वाली हुई, सुनने सुनाने का फाउंडेशन उसको भक्ति मार्ग का फाउंडेशन कहेंगे या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन कहेंगे? ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया उसका आत्मा द्वारा, जिसे नाम पड़ता है जगदम्बा, तो महाकाली बनती। सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन उसके द्वारा, और फिर जिसको सुनाया गया उसमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके समझने और समझाने का फाउंडेशन लगा। तो समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। भक्त लोग क्या करते हैं, रात सुन लिए, दूसरों को सुनाई दिए, आप तो नहीं समझा। ये भी बुद्धि सोचने की नहीं कि दस तीस वाला अगर पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा। तो मगर छह महीने सोता था, ये बुद्धि नहीं करती कि अज्ञान भी इससे सोने की बात है। फूल रूप में सोने की कोई बात है, ऐसी होती नहीं है। तो ढेर सारी शास्त्रों में ऐसी बातें हैं जो भक्त लोग सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, उनके अर्थ को भूल या रहस्य को नहीं समझते, क्योंकि भगवान ही आकर के सत्य के आदिकाल में और तमोग्रह सत्य के अंतकाल में आकर के उसका रहस्य समझाता है। तो समझने समझाने का फाउंडेशन परमात्मा शिव ने उस व्यक्ति में डाला जो राम वाली आत्मा होती, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको सुनाया, सूर्य को सुनाया है, मैंने वाले शिव ने, शिव माता ने ज्ञान सुनाया। सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है क्या है? अरे अरे दादा ने एक ब्रह्मा जी द्वारा माउंट आबू में जो वाणियां चली, बोलियां चली है, वो सिर्फ सुनने सुनाने मात्र चली है या ज्ञान चला है? ज्ञान को मनन चिंतन मंथन से निकलता है क्या? अगर जो सुनने सुनाने वाला है मनन चिंतन मंथन ही नहीं करता तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। जब उस ज्ञान की गहराई में ही नहीं जाएगा, ज्ञान सागर के तल्ले में ही नहीं जाएगा, तो
84 जन्मों को आत्मा कैसे पहचानेगी? भगवान को आकर के उस आपका आर्जन करने वाले अर्जुनों को 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा 84 के चक्र का पाठधारी है। वो पाठधारी कैसा? जो कपड़े बदलता रहे जन्म जन्मांतर, शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहे, परंतु अपने पार्ट को ही न जानता हो। अभी हम सब बेवकूफ पार्टधारी कहते हैं हम आत्मा हैं, परंतु प्रैक्टिकल में 24 घंटे आत्मा की स्थिति नहीं रहती, देहभान में आ जाते, घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते, इसलिए अपने जन्मों को नहीं जान सकते। तो सुनने सुनाने का कार्य और जगदम्बा का पाठ बजाने वाली आत्मा के द्वारा होगा, और समझने समझाने का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा हुआ जो राम वाली आत्मा होगी, ज्ञान का बीज रोपण करने वाली, जिसके लिए गाया हुआ है राम राज। क्या भगवान राम आते हैं तो कौन से राज्य की स्थापना करते हैं? राम राज्य की स्थापना, जहां यथा राजा तथा प्रजा सब खुशी होते, कोई दुखी नहीं होता, अंत मात्र भी दुखी नहीं होता, चौथाई कला में भी दुखी आत्मा नहीं होती है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण एक तक सब मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ऐसी राम वाली आत्मा के द्वारा अंतिम जन्म में वो ज्ञान का बीज आरोपण करते हैं परमपिता परमात्मा से। समझने और समझाने का फाउंडेशन होता है। परंतु जो दूसरी दो माताएं हैं उनमें जो सुनने सुनाने वाली है वो समझती है अंदर से, या जो दूसरी माता मौन रहने वाली है वो समझती है? जो मौन रहने वाली है वो ही समझती है। इसलिए मुनि में बोला है जो भारतवासी होते हैं उनको सरेंडर होने में हृदय विलीन होता है, और जो विदेशियों से प्रभावित होने वाले विदेशी होते हैं वो झट सरेंडर हो जाते बिना सोचे समझे। तो दोनों माताओं में अगला जन्म लेकर के जो अगला जन्म होता है वो भी ब्राह्मण परिवार में ही होगा या कहीं दूसरा होगा। गीता में तुमने कहा है ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्राह्मण जो बना ब्रह्मा मुख की संतान, वो अगर शरीर भी छोड़ दे तो अगला जन्म लेकर के वो फिर ब्राह्मण बनता है। पूर्व जन्म की जो प्रारब्ध है पुरुषार्थ की वो लेकर के आता है। उनमें से एक आत्मा दो माताएं थी ना, एक माता ज्ञान सुनती है तुरंत सरेंडर हो जाती, अपनी समझ से सरेंडर नहीं होती। सुनाने वाले सुनाते हैं और वो सुनती है, और सुनने सुनाने के आधार पर सरेंडर हो जाती। और जो भारत माता का पाठ बजाने वाली है वो लंबा टाइम लगा देती है, लास्ट में जाकर के सरेंडर होती है। तो ऐसे नहीं है कि जगदम्बा ही बड़ी माँ है, वास्तव में बड़ा वो है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करके दिखा दे। तो दोनों माताओं में से प्योरिटी के ज्ञान को, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी के प्रैक्टिकल स्वरूप को कौन सी माता प्रत्यक्ष करती है अपने जीवन में? माँ। इसलिए भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही बीच में तो रुद्रमाला प्रत्यक्ष होती है,
रुद्रमाला की जो मुख्य है पुरुषार्थनी स्पीच होने वाली है वो महाकाली का पाठ बजाने वाली है। महाकाली होगी तो अकेली होगी या साथ में महाकाल भी होगा? महाकाल भी होता है, महाकाल शंकर को कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ गायन है। भगवान आकर के रुद्र में प्रवेश करके जो रौद्र रूप धारण करता है, इतना रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया का विनाश करा देता है। इसके द्वारा रुद्र गणों के द्वारा वो रुद्र गण पहले बाहर की दुनिया का विनाश कराते हैं, फिर पहले अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया, कुंभकर्णों और रावण और मेघनाथों की दुनिया का विनाश कराते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होता है, जो कच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, अधूरे पक्के, उनका विनाश हो जाता है। इसलिए गायन है कि प्रजापति ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में प्रतीक ने अपना देह स्वाहा कर दिया, वास्तव में देह स्वाहा नहीं कर दिया, देह भान स्वाहा कर दिया, आत्माभिमानी बन गई। आत्मा को ही शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति जो आत्म की स्टेज में स्थिर हो जाती है।